अनुपमा के आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि बाप बाबू जी से कह रही होंगी, अच्छा हुआ जो अनुपमा की माँ को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। इतने में अनुपमा दरवाजे से चिल्लाते हुए कहेगी, बा बापू जी। तो बा कहेंगी, क्या हो गया? तो पाखी कहेगी, कुछ अच्छा ही हुआ होगा, तभी तो माँ इतनी एक्साइटेड लग रही है। इतने में समर, नंदिनी और अनुपमा घर के अंदर आ जाएंगे और कहेंगे, बा बापू जी प्रसाद लीजिए। तब बा कहेंगी, पहले बता तो सही क्या हुआ। तभी अनुपमा बोलना स्टार्ट करेगी, पर उससे पहले ही वो रोने लगेगी। तो बा कहेंगी, क्या हो गया, अब बताएगी भी या रोती रहेगी? फिर कहेंगी, सुबह इसकी हंसी नहीं रुक रही थी और अब रोना बंद नहीं हो रहा। बापूजी फिर समर से कहेंगे, तू बता बेटा। फिर समर चुप रहने का इशारा करेगा और कहेगा, माँ ही बताएंगी। अनुपमा फिर कहेंगी, मेरी डांस अकेडमी तैयार हो गई है माँ, और फिर रोने लगेगी। यह सुनकर बापूजी इमोशनल हो जाएंगे और वो भी थोड़ा सा रोने लगेंगे और समर कहेगा, अरे यार अब रोने धोने का एक और फैशन हो गया। फिर उसके बाद अनुपमा बा के गले लग जाएगी और दोनों इमोशनल हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ मनराज कैफे की जॉब छूटने की वजह से दुखी होकर रो रहा होगा और काव्या का भी जॉब छूट गया, इस वजह से वो अपना अवार्ड और अपने सामान पैक कर रही होगी क्योंकि उसे जॉब से सस्पेंड कर दिया जाता है और ढोलकिया उसे बहुत कुछ सुनाता है, जिस वजह से उसे याद करके वो रो रही होती है। दूसरी तरफ बा और बापूजी अनुपमा को ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे होंगे और सारे मिलके बहुत एक्साइटेड होंगे। तभी तोसू आ जाता है और पाखी दौड़ के उसके पास जाती है और कहेगी, भाई आपको पता है माँ का डांस अकेडमी तैयार हो गया है। तभी तोसू भी बहुत खुश हो जाएगा और माँ को कॉन्ग्रेचुलेट करेगा। उसके बाद अनुपमा समर को थैंक यू बोलेगी और साथ ही नंदिनी को भी थैंक यू कहेगी और कहेगी, समर ने उसका बहुत साथ दिया और ये परिवार ने भी उसका बहुत साथ दिया है, अगर उसके साथ उसका परिवार है तो वो कुछ भी कर सकती है। तभी बा कहेगी, हम सब तुम्हारे साथ हमेशा हैं। तभी अनुपमा सबको थैंक यू बोलती है और सब एक साथ बहुत खुश होते हैं।